हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीवा। आज हम बनाएंगे इटालियन रेसिपी स्पैगेटी विथ चिकन बॉल्स इन रेड इटालियन सॉस। इटालियन क्यूजीन अपने सिंप्लिसिटी के लिए बहुत फेमस है और फेमस है अपने स्पाइसेस, फ्लेवर्स और चीज के लिए। स्पैगेटी बनाने में इतना मेहनत भी नहीं करना है और अगर उसमें चिकन बॉल्स ऐड किया जाए तो उसका टेस्ट का जवाब नहीं। आप चाहे तो चिकन की जगह मीट बॉल्स भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी द सीक्रेट ऑफ द बेस्ट स्पैगेटी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बहुत जल्दी बन जाएगा। शुरू करते हैं पहले चिकन बॉल्स बनाना। एक पैन को प्री हीट कर लीजिए और उसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए एक अनियन फाइनली चॉप्ड और अनियंस को 2-3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में सॉटे कर लीजिए। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जब आपको लगे कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, आप उसमें 2-3 गार्लिक क्लॉव्स चॉप करके डाल दीजिए। आप उसको तब तक फ्राई करें जब तक ये डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए पैन में छोड़ दीजिए। अब एक ब्लेंडर में आप बोनलेस चिकन पीसेस डाल दीजिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी 300 ग्राम्स के लिए। डाल दीजिए 3-4 चॉप्ड बेसिल लीव्स, ड्राई बेसिल भी यूज कर सकते हैं। एक अंडा, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून ऑरिगैनो, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 3-4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है। और फाइनली डाल दीजिए फ्राई किया हुआ प्याज और लहसुन और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा स्टिकी रखना है ताकि चिकन बॉल्स आराम से बाइंड हो जाए। अब चिकन बॉल्स बनाने के लिए हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब ग्राइंड किया हुआ चिकन मिक्स का छोटा पोर्शंस लेके दोनों हाथों के बीच रोल करते हुए उसको राउंड शेप देना है। यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए आप सारे चिकन बॉल्स बना लीजिए। एट सम पॉइंट अगर आपको लगे कि आपका हाथ स्टिकी हो रहा है तो आप हाथ को धो के ऑयल से ग्रीस करके फिर से चिकन बॉल्स बनाना शुरू करें। अब यहाँ पे सारे चिकन बॉल्स बनके तैयार हैं। अब इसको करेंगे फ्राई। एक पैन में 4-5 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें और उसमें डाल दीजिए चिकन बॉल्स। अब जो कि मैंने छोटा पैन लिया है, मैं सारे चिकन बॉल्स को 2 बैच में फ्राई कर लूँगी। पैन को चिकन बॉल्स से ज़्यादा क्राउडेड मत कीजिए। टेक योर टाइम टू फ्राई द चिकन बॉल्स। इसको तब तक फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जितना हो सके आप सारे साइड्स को फ्राई करने की कोशिश कीजिए और ध्यान रहे फ्लेम को मीडियम लो में ही रखना है। चिकन बॉल्स को फ्राई करते वक्त ही थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इसके बाद वाला प्रोसेस फटाफट हो जाता है। एक बैच को फ्राई करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लगे ऑन मीडियम लो फ्लेम। इसी प्रोसेस में आप सारे चिकन बॉल्स को फ्राई कर लीजिए। ये चिकन बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गया। अब चलते हैं स्पैगेटी और सॉस की तरफ। एक पैन में 1 लीटर पानी और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दीजिए और दूसरे पैन में डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल। आप जिस पैन में स्पैगेटी पास्ता को बॉईल करना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो पैन थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें स्पैगेटी डाल दीजिए और दूसरे पैन में डाल दीजिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को 2-3 मिनट तक हल्का फ्राई कर लीजिए। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए उसमें डाल दीजिए 1-1.5 कप टमाटो पल्प। और 1 कप टमाटो पल्प चाहिए होगा लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कैंड टमाटो पल्प यूज़ किया है, बट अगर आपको ये कैंड टमाटो पल्प ना मिले तो आप घर में टमाटोज को बॉयल करके उसका पल्प बना लीजिए। इधर पास्ता भी बन के तैयार है, पास्ता को बस सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब ये स्पैगेटी को एक छन्नी में डाल के छान लीजिए। छन्नी में डालने के बाद आप स्पैगेटी को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए ताकि वो ओवर कुक ना हो। स्पैगेटी को छोड़ के अभी चलते हैं सॉस के तरफ। अब बारी है टमाटो सॉस में स्पाइसेस ऐड करने की। इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑरिगैनो,
नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 बेसिल लीव्स रफली चॉप्ड, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ड्राई पार्सली। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब डाल दीजिए इसमें फ्राइड चिकन बॉल्स और सॉस से अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपको फ्रेश बेसिल लीव्स ना मिले तो आप ड्राई बेसिल भी यूज कर सकते हैं। अब चिकन बॉल्स को ढक के 10 मिनट तक पकने दीजिए ताकि चिकन बॉल्स के अंदर सॉस और स्पाइसेस जा सके। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के उसमें बॉयल्ड स्पैगेटी ऐड कर दीजिए। वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको एक हाथ से मिलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप दोनों हाथों का यूज करके स्पैगेटी को मिक्स करें। एट दिस स्टेज मैं स्पैगेटी को थोड़ा टेस्ट करके देखने वाली हूँ कि इसमें क्या कमी रह गया। अब जो कि मुझे थोड़ा सा सॉसी स्पैगेटी पसंद है, तो इसमें मैं और 1/2 कप टोमेटो पल्प डाल दूंगी। अगर आप थोड़ा सा ड्राई प्रेफर करते हैं तो टोमेटो पल्प डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। अब डाल दीजिए द फाइनल इंग्रेडिएंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, परमेसन चीज़ पाउडर। अगर आपके पास परमेसन चीज़ ना हो, आप थोड़ा सा काजू और आलमंड्स को ग्राइंडर में अच्छे से डस्ट कर लीजिए और फिर उसको दूध में मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसका फिर टेस्ट थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये भी बहुत डिलीशियस बनता है। अब इसको 4-5 मिनट तक ढक के पकने दीजिए और बस बन गया आपका स्पैगेटी विद चिकन बॉल्स। अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। और फाइनली इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा और ग्रेटेड चीज डाल के। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुँचें तो बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।